इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट मैच चल रहा है और आज डे फोर पे हमारे दो बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद सिराज ने अपना पहला 5 विकेट हॉल लिया और साथ ही श्रद्धल ठाकुर ने भी 4 विकेटें ली। सो वेल प्लेड मोहम्मद सिराज एंड श्रद्धल ठाकुर के लिए तो मैं कहूंगा कि उन्होंने पहले भी 3 विकेटें ली थी और हाईएस्ट स्कोर भी मारा था फर्स्ट इनिंग में, तो वो तो इस मैच में मैन ऑफ द मैच के भी कंटेंडर बनते जा रहे हैं और दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और अब इंडिया को 324 का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। तो इस सिचुएशन में अगर हम एनालाइज करें तो किसका पलड़ा भारी है? क्या दोनों टीम्स के लिए हम इक्वल चांसेस कहेंगे या किसी एक टीम का पलड़ा भारी है? मुझे जो लगता है कि इस स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि ये जो पिच है अब डे 5 पे, ये सिडनी की का जो सिचुएशन थी जब डे 5, उस पिच से डिफरेंट है। यहाँ पे क्रैक्स पड़ गए हैं और हम स्टीव स्मिथ का भी डिसमिसल देखिए तो किस तरीके से बॉल उछली थी, और उसके अलावा भी कई बॉल्स थी जो टप्पा पड़ के उछली, बाउंस थोड़ा अनइवन रहा, और इस वजह से डे 5 पे बैटिंग करना मुश्किल रहेगा, इतना इजी नहीं रहेगा। और साथ ही बारिश के भी चांसेस है, तो बारिश भी होती है और उससे ओवर्स जो वेस्ट हो गए, तो इंडियंस के लिए विक्ट्री की तरफ जाना उसमें एक ऑब्स्टेकल उनके लिए आएगा, क्योंकि उनको अगर 15-20 ओवर भी कम मिलते हैं तो 324 रन उन्हें उस ओवर्स में कंप्लीट करने पड़ेंगे, जो मुश्किल हो सकता है। सो आइडली अब इंडिया को क्या करना चाहिए डे 5 पे, क्या इनकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या इनको जीत के लिए जाना चाहिए या ड्रॉ के लिए जाना चाहिए? अभी तक जो टूर पे हमने एटीट्यूड देखा है इंडियन टीम का, तो मुझे जो लगता है कि इंडियन टीम जीत के लिए जाएगी और इनको जीत के लिए जाना भी चाहिए। आई थिंक दे शुड गो फॉर ए विक्ट्री, वही एक फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि मैं कहूंगा कि अगर ये मैच जीत जाते हैं इंडिया तो पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए ऑफकोर्स ये मैच है और ये सीरीज है, बट अगर ये मैच जीत जाते हैं इंडिया तो 2 बार लगातार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का कारनामा ये कर पाएगी। और ब्रिस्बेन में जो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है, जो पिछले 42 इयर्स से यहाँ पे अनबीटन है ऑस्ट्रेलिया, 32, तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ने का मौका मिलेगा, एक वर्ल्ड में एक हमारा रुतबा काफी बढ़ेगा और साथ में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी। तो मैं तो कहूंगा कि इंडियन टीम को विक्ट्री के लिए जाना चाहिए, नॉट फॉर ए ड्रॉ, पर विक्ट्री के लिए एक स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। और वो स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इनको थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना होगा। चितेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, अकॉर्डिंग टू मी इनको थोड़ा नीचे आना चाहिए अब 5th डे, और मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत को इन्हें प्रमोट करना चाहिए। मयंक अग्रवाल एट नंबर 3, क्योंकि मयंक अग्रवाल ओपनर भी है और अगर विकेट जल्दी गिर जाती है तो वो पहले आ ही सकती है, एक नेचुरल उनकी ओपनिंग की पोजीशन ही हो जाती है, और अगर बाद में भी गिरती है तो भी वो अच्छा पेसर्स को भी खेलते हैं, स्पिन को भी खेलते हैं, अटैकिंग गेम खेलते हैं और उनको एक लंबी इनिंग्स खेलना भी पसंद है, तो उनको इस इनिंग में नंबर 3 पे भेजना चाहिए। और इसी तरह ऋषभ पंत को भी अगर नंबर 4 पे भेजा जाए और वो नंबर 4 पे चल जाता है, जैसे पहले सिडनी में चला था, एक अच्छी हाफ सेंचुरी मार देता है, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ जाएगी, और तब नंबर 5 पे पुजारा, नंबर 6 पे रहाणे, ये आए अगर उन पोजीशंस पे, तो थोड़ा गेम को और अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर पहली 4 विकेटें जल्दी गिर जाती है तो हमारे पुजारा और रहाणे फिर गेम को ब्लॉक करके ड्रॉ के लिए जा सकते हैं, और अगर पहले 4 अच्छा खेल जाते हैं, पता चले 200 रन तक मार देते हैं जो 324 का टारगेट है, तो वो भी फिर थोड़ा सा अटैकिंग खेल के साथ में सुंदर भी होगा, श्रद्धल ठाकुर भी, इनके साथ टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी, एक विन के लिए जाना चाहिए और बैटिंग ऑर्डर को इस तरह से चेंज करना चाहिए। विन के लिए जाने का एक रीजन ये भी है कि अगर हम ड्रॉ के लिए भी खेलते हैं तो भी इस पिच पे पूरे दिन सर्वाइव करना मुश्किल रहेगा, तो तब क्यों ना जीत के लिए जाया जाए, पूरे दिन सर्वाइव भी करना है तो थोड़ा सा और तेजी से रन मारने की कोशिश की जाए और जीत हासिल की जाए, क्योंकि नॉर्मली भी बैटिंग करें तो 260-270 रन तो इस पिच पे बनते हैं, और उसी में थोड़े 60 रन और एक्स्ट्रा मारने हैं, 324 का टारगेट अचीव करना है, और वो किया जा सकता है अगर हमारे स्ट्रोक प्लेयर कोई अच्छा खेल जाता है,
रोहित शर्मा कल 70-80 रन मार दे, मयंक अग्रवाल हाफ सेंचुरी मार दे, या ऋषभ पंत अच्छा खेल जाए, और बाद में श्रद्धल ठाकुर भी है, सुंदर भी है हिटर्स, और जरूरत पड़ने पे रहाणे पुजारा भी तेज खेल सकते हैं, शुभम गिल भी है, सो वी शुड गो फॉर ए विक्ट्री आइडली। पर विक्ट्री पे जाने पर भी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का ही भारी रहेगा, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा सेशन चाहिए होगा। अगर उनको एक अच्छा सेशन मिल जाता है, इंडिया का एक सेशन खराब रहता है, तो 4-5 विकेट वो निकाल सकती है, तो तब इंडिया बैकफुट पे आ जाएगी और ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर इंडिया ने जीतना है तो उनको सिर्फ एक अच्छा सेशन नहीं चाहिए होगा, उनको तीनों अच्छे सेशन चाहिए होंगे, उनको पूरा दिन ही अच्छा खेलना होगा, तब वो 324 का टारगेट अचीव कर पाएंगे। बट जो हमने देखा है टीम का, तो टीम जीत के लिए ही जाएगी, और मैं भी यही कहूंगा जीत के लिए ही उन्हें जाना चाहिए। सो लेट्स सी कि कल हमारे प्लेयर्स क्या परफॉर्म करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं। फाइट तो देंगे हमारे बैट्समैन, जो हमने देखा है पूरे टूर पे कि आसानी से हार नहीं मानते हमारे प्लेयर्स, सो ऑफकोर्स दे विल गिव ए गुड फाइट, दे विल गिव ए टफ फाइट, और देखते हैं क्या परिणाम रहता है। गुड लक टू इंडिया।